तो भाइयों हम पहुंच चुके हैं पारस के गणपति मंदिर। ये रहा इसका एंट्रेंस। तो भाइयों हम सभी अंदर जाते हुए गणपति मंदिर में। तो हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अन्ना की मशहूर इडली के पास नांदेड़ में, और हम अभी सुबह सुबह निकल रहे हैं पारस का फेमस गणपति कोकर के लिए। तो अभी तो हमारे दिन की शुरुआत हुई है। तो हेलो गाइस, हेलो, ये हमारे बालू भैया। तो सभी को पहले राम राम भाइयों। तो भाइयों आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। हम आ गए हैं गाड़ूपुरा रेणुका मंदिर से निकल कर अभी तुलजा माता मंदिर में आ चुके हैं हनुमानगढ़ के पास। अभी यहाँ से निकलेंगे हम गणपति मंदिर जो कि भोकर में है, वहाँ जाएंगे आज। तो देखते हैं, अभी हमारी फोर व्हीलर आ गई है उसमें जाएंगे। तो गाइस चलते हैं सारे भाइयों के साथ। चल भाई अजय, हाँ तो निकलते हैं हम यहाँ से अभी। अभी फोर व्हीलर आ चुकी होंगी हमारी, उसमें जाएंगे आप। कौन सी गाड़ी है भाई अपनी? कौन सी गाड़ी में जाएंगे आज? गाड़ी कौन सी है अपनी वो तो बोल दे। अभी हम जा रहे हैं टोयोटा कॉलिस गाड़ी से गणपति मंदिर दर्शन के लिए। ठीक है गाइस, देखो हमारी गाड़ी भी आ चुकी है। वो रही हमारी गाड़ी। तो गाइस हमारी गाड़ी आ चुकी है और आज ड्राइव करेंगे जित्तू भाई जो कि अच्छे परफेक्ट ड्राइवर है। और ये रहा अपना कृष्णा, और ये रहे अपने अजय भाई, और ये रहे सत्यम लाला पीछे, और ये बालू भाई और इनके बच्चे जूनियर बालू भाई। देखो जूनियर बालू भाई भी है। तभी एक साथी का इंतजार है, उसके बाद अपन निकलेंगे। तो गाइस हम निकल चुके हैं और जो हमारे एक साथी बाकी था वो भी आ चुके हैं, विकी भाई। तो हम निकल चुके हैं ऑन द वे। तो आप आगे जिद्दू भाई बोलेंगे। हेलो भाई, अभी हम निकल चुके हैं नांदेड़ से 75 किलोमीटर जो दूर है कीनी पारस गणपति। इस गणपति की एक विशेषता है कि ये साल में सिर्फ जिस दिन गणपति बैठते हैं वो सिर्फ 10 दिन ही चालू रहता है, बाकी का एक साल मंदिर बंद रहता है। और विशेषता है यहाँ की जो मूर्ति है गणेश जी की वो पूरी एक लकड़ी के साँचे में, एक ही लकड़ी में बनी हुई है। तो आज हम देखने जा रहे हैं विशेष रूप पारस गणपति। दोस्तों देखो
तो दोस्तों हम रास्ते में रुके हैं हनुमान जी के मंदिर को, जो कि बारड़ के थोड़ा आगे है। यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन कर लेंगे हम। बोलो जय श्री राम। तो भाइयों हम पहुंच चुके हैं पारस, पारस गणपति हम पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके पारस गणपति के पास। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियों की भीड़। इतना प्राचीन और पुरातन मंदिर है ये, आप भीड़ को देखकर ही समझ सकते हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे मंदिर का नज़ारा। चलो मिलते हैं आगे मंदिर के दर्शन लाइन में। तो भाइयों हम पहुंच चुके हैं पारस के गणपति मंदिर। ये रहा इसका एंट्रेंस। बहुत ही अच्छा है गणपति मंदिर। यहाँ पे लोगों की भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। तो भाइयों हम तो पहली बार आए हैं यहाँ पे। अच्छी खासा तादाद में भीड़ है, देखते हैं अंदर क्या होगा। तो दोस्तों अंदर आ चुके हैं हम। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, लगता है दर्शन के लिए टाइम लगेगा। दर्शन के लिए लाइन भी है बहुत, देखते हैं कितना टाइम लगेगा हमें। यहाँ लड्डू प्रसाद भी है दोस्तों, और यहाँ पे हॉस्पिटल भी है इमरजेंसी के लिए और डोनेशन के लिए। और यहाँ पे दर्शन की लाइन यहाँ से है, यहाँ से होते हुए उधर जाएंगी। तो दोस्तों हम लाइन में लग चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ है। हमें लगता है दर्शन के लिए 2-3 घंटे लाइन में से जाना पड़ेगा। देखिए काफ़ी ज़्यादा लाइन, तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है हमें। जो गणपति की विशेष बात है वो हम अभी जीतू सिंह से जानेंगे। तो जीतू भाई अभी बोलेंगे हमें। राइट तो भैया, अभी हम लग चुके हैं गणपति भगवान के लाइन में दर्शन के लिए। और विशेष रूप से मैंने आपको जो बताया था कि ये मंदिर जो है सिर्फ साल में 10 ही दिन चालू रहता है, बाकी के सब दिन बंद रहता है। विशेषतः गणेश जी के दर्शन हमें ये 10 दिन में ही होते हैं, बाद में पूरा एक साल भर ये मंदिर बंद रहता है। चलो करते हैं दर्शन थोड़ी देर में, अभी लगे हुए लाइन। ठीक है गाइस चलते हैं। अभी लाइन इतनी काफ़ी सारी तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ है, कम से कम हमें लगता है कि 3 घंटे तो लग ही जाएंगे दर्शन के लिए। काफ़ी दूर दूर से यात्री आए हुए हैं। गणपति बप्पा बोरिया, मंगल मूर्ति बोरिया, गणपति बप्पा बोरिया, मंगल मूर्ति बोरिया। गाइस 2 घंटे हो चुके हैं लाइन में है अभी। ये मंदिर के नीचे का परिसर है, यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो चुकी है अभी भी। दर्शन के लिए श्रद्धालु आते ही जा रहे हैं। अभी करीब करीब और 1 घंटा लग सकता है लगता है। अभी तो 2 घंटे हो चुके हैं लाइन में। ये रहा मंदिर।
द्वार पर। कुछ ही देर में गणपति के दर्शन हो जाएंगे हमें। गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति मोरिया, मोरिया, मोरिया। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। तो दोस्तों फाइनली हमारे दर्शन हो गए और यहाँ पे तेज बारिश शुरू हो चुकी है। गाइस देखिए बहुत तेज बारिश शुरू हो चुकी है हमारे दर्शन होते ही। तो हम यहाँ रुके वाले पंडाल में। दर्शन हो चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं प्रसादालय के। तो ये रहा महाप्रसादालय, अभी अंदर जाते हुए हम तो भाइयों हमारे दर्शन हो गए और हमने लड्डू भी ले लिए, प्रसाद भी ले लिए भाई लोग, लड्डू में प्रसाद ले लिए हमने। अब बस अभी निकलते हुए हम यहाँ से। ये रहे हमारे गणपति। तो गाइस हम यहाँ से निकल रहे हैं बाहर अपने गाड़ी की ओर। हेलो गाइस, अब हम जा रहे हैं अपरंपार मंदिर। तो गाइस हम चाय पीने के लिए उतर चुके हैं। यहाँ पे जाएंगे अभी पांडुरंग पे, चाय पीएंगे। चाय की तलब लग चुकी है हमें। आजा भाई, अजय बाहर आजा। चाय गरम गरम लेंगे। तूने आया तो चाय गरम नहीं मिलेंगे। गरम आदमी है हमारा। चलो अपनी चरित्रवान चाय आ गई। नहीं जी भैया, तुमने चाय बनाई है, मामा ने चाय बनाई। ये पांडुरंग टी हाउस के ओनर है। नाम भैया, नाम क्या है भैया तुम्हारा? भागवत। भागवत, भागवत नाम है भैया का। भैया चरित्रवान बोलकर चरित्रहीन चाय पिला रहे हैं। देखते हैं कैसा टेस्ट है। बहुत बढ़िया टेस्ट है भाई। वो क्या बात है, पैसे वसूल, पैसे वसूल है भाई, जरूर आइएगा। हम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह चौक पे है, भोकर मेन चौरस्ता। यहाँ पे हम चाय पी रहे हैं पांडुरंग टी पे से। तो बोलो जय श्री राम, जय महाराणा प्रताप। तो भाइयों हम आ चुके हैं अपरंपार मंदिर के लिए। ऊपर टेकड़े पे जा रहे हैं जो कि ऊपर महादेव का मंदिर है, और यह जो कि तामसा रोड पे है। तो गांव के अंदर से जाना होगा हमें। तो हम अंदर मंदिर में जाते हुए भोलेनाथ के मंदिर। तो ये है अपरंपार के भोलेनाथ मंदिर। ये है हमारे भोले बाबा, दर्शन ले लीजिए।
और ये देखिए क्या नजारा है एक बार, वाह वाह। तो भाइयों हमारे दर्शन हो गए, अब वापस निकलते हैं हम। चलो गाइस निकलते हैं। तो भाइयों हम बारड़ पहुंच चुके, ये बारड़ की कमान। बारड़ की चित्रा के बाद हम आज आए हैं। चलो भैया अंदर। मौसम काफी अच्छा हो चुका है दोस्तों, देखिए। ये जत्रा में यहाँ पे औरतों की बहुत भीड़ लगती है यहाँ पे। यह हमारा चूड़ी का दुकान है बारड़ की माता के पास। हमारा दुकान अच्छा चलता है, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं पाया पो पढ़ने को माता को। यहाँ टेढ़े डोले हाथ पाए सब अच्छे हो जाते हैं यहाँ माता को आने के बाद। माता बहुत प्रसिद्ध है यहाँ की, सब भक्तों को उनके ऊपर भरोसा है, माता को आ जाते हैं सब बोलते हैं धन्यवाद। तो भाइयों और बहनों जब भी आप आइएगा तो यहाँ से चूड़ियाँ जरूर लेके जाएगा, बारड़ की पहली दुकान है ये। तो भाइयों हम पहुँच चुके हैं बारड़ में पोचम्मा देवी मंदिर में, आपको दर्शन करा देते हैं माता के। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं। अरे विजय भाई को हमने पीछे फेंक दिए, पीछे भी खुश हूँ मैं, जहाँ रहते हैं खुश रहेंगे। हाँ जहाँ पे रहेंगे हंसी खुशी से रहेंगे। ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड, जुना ते सोना क्या हुआ तेरा वादा। प्यार की खातिर या जिसमें प्यार हो गए
ज्यादा काबिल जिसे तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ इरादा। हेलो भाई, हम गणपति के दर्शन करते हुए नांदेड़ को लौट चुके हैं और बहुत ही सुहाना मौसम है, बारिश हो रही है सभी तरफ, तो इसलिए नांदेड़ आसना के पास फेमस साई कॉफ़ी शॉप, यहाँ पर सब दोस्त चाय कॉफ़ी का मज़े ले रहे हैं। आइए कॉफ़ी पीते हैं। तो लो भाइयों, अपनी कॉफ़ी आ चुकी है, तो सुहाने मौसम में कॉफ़ी का मज़ा लेते हुए। हेलो भाई, तो आज हमने इसी प्रकार पारस गणपति के दर्शन किए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे दर्शन हुए और मौसम भी हमें बहुत सुहाना, बारिश का मौसम हो चुका है आज। तो इसी तरह मिलते हैं अगले ब्लॉक में, नई जगह नया ब्लॉक। बाय।